हेलो, हिस्ट्री लर्न में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल का नाम है। चलिए शुरू करते हैं। आज एक चैप्टर है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट्स नॉमेनक्लेचर। भैया, नॉमेनक्लेचर के जानने के पहले पहले हमको जानना जरूरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह के होते हैं, कैसे इसको क्लासिफाइड किया जाता है। तो क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, कैसे करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, किस टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो भैया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। पहला, ओपन चेन कंपाउंड्स या एसाइक्लिक कंपाउंड्स भी इनको बोलते हैं, या एलिफैटिक कंपाउंड भी इनको बोलते हैं। दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं क्लोज चेन में, क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स। थोड़ा जान लीजिए, ओपन चेन कंपाउंड्स होते क्या हैं। इसमें जो कार्बन एटम होता है, या जो चेन होती है जो कार्बन एटम की, वो एक ओपन चेन होती है। मतलब हिंदी में बोल सकते हैं, खुली श्रृंखला में होते हैं, पूरा ओपन चेन में होते हैं। अभी मैं इनको पूरा बताऊंगा, इसका डेफिनेशन सहित तो पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे। और सेकेंड में होते हैं क्लोज चेन में, जो कार्बन एटम होता है ये क्लोज चेन फॉर्म करते हैं। आप कह सकते हैं ना कि पूरा बाउंड होता है चारों तरफ से, या कह सकते हैं आप ऐसे का भी कुछ स्ट्रक्चर होगा, या कुछ बाउंड स्ट्रक्चर टाइप का होगा। क्लोज चेन टू पार्ट्स में डिवाइड की जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। पहला होमोसाइक्लिक, इसी को कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते, कहीं कहीं लिखा रहता है किसी किसी बुक्स में। तो होमोसाइक्लिक्स होते क्या है, होमोसाइक्लिक्स के विषय में एक दो बातें जान लेते हैं। होमोसाइक्लिक्स वो होते हैं जिसमें केवल कार्बन एटम जो होते हैं साइक्लिक रिंग में, केवल कार्बन एटम ही होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन तो भैया देखो बैलेंसी के लिए जो है यूज होता है। कार्बन आप जानते हैं चार बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड। तो कार्बन की जो बैलेंसी होती है, बैलेंस्ड होती है हाइड्रोजन से, और कोई एटम इसमें नहीं पाया जाता है, केवल कार्बन एटम ही साइक्लिक रिंग में मिलता है। दूसरे आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। भैया हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कह सकते हैं, इसमें दूसरे एटम्स भी मिलते हैं। आप यूरान ले लीजिए, पायरोल ले लीजिए, थायोफिन ले लीजिए, वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आते हैं। अभी मैं इसको बताता हूँ, सब प्रॉपर डेफिनेशन के साथ बताऊंगा यहाँ पे। होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स को फिर दो टर्म में डिवाइड किया जाता है। पहला एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक वो होते हैं जिन जिनका स्ट्रक्चर या इनकी प्रॉपर्टीज लगभग ना एसाइक्लिक कंपाउंड्स या एलिफेटिक कंपाउंड्स से मिलते जुलते होते हैं। मतलब इनके प्रॉपर्टीज जो होंगी लगभग लगभग इससे मैच करती रहेंगी, रहेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही, बट इनकी प्रॉपर्टीज एसाइक्लिक कंपाउंड से लगभग मैच करती रहेंगी। सेकेंड होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक मीन्स ये साइक्लिक तो होंगे ही, एरोमेटिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी मैं बताता हूँ। जैसे ये प्लेनर इन नेचर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, और हकेल रूल्स मस्ट है फॉलो करना, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल उसको बोलते हैं, बताता हूँ भी। और कॉन्जुकेशन होना चाहिए इसमें, कॉन्जुकेशन भी कई तरीके के होते हैं, पाई पाई कॉन्जुकेशन, लोन पेयर के साथ कॉन्जुकेशन से, और बॉन्ड पेयर के साथ कॉन्जुकेशन होता है। तो ये भैया हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद देखिए, ध्यान से देखिएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बारे में मैंने बता दिया कितना इतना होता है। अब हम ओपन चेन से शुरू करते हैं, ओपन चेन के साथ शुरू करेंगे, इसका डेफिनेशन आपको एग्जांपल देके हम बताते हैं। चलिए भैया देखिए, ओपन चेन कंपाउंड्स है, डेफिनेशन देख लीजिए। दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स ओपन, डेफिनेशन देखिए भैया, दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स। इसको एलिफेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड्स होते हैं ना लीनियर स्ट्रक्चर में होते हैं, इनका स्ट्रक्चर जो होता है भैया लीनियर होता है। आप या फिर आप कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, प्रोपेन देख लीजिए, एग्जांपल एग्जांपल प्रोपेन देखिए, ये प्रोपेन का स्ट्रक्चर है भैया, देखिए एकदम सीधी चेन में है कि नहीं, कोई भी इसमें कोई भी साइक्लिक रिंग नहीं बन रही है, एकदम सीधा स्ट्रक्चर है। दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम आर कॉल्ड ओपन चेन कंपाउंड्स, यही तो बता रहा है। तो ये हो गया, ये एग्जांपल हो गया ओपन चेन कंपाउंड्स का। मेथेन भी ऐसे ही है, एकदम प्रॉपर लीनियर स्ट्रक्चर होता है, कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसके बाद ब्यूटेन देख लीजिए, इसको एन ब्यूटेन भी बोलते हैं, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, कह सकते हैं C4H10 होता है ये।
और इसके बाद एथेन लीजिए, देख लीजिए C2H6 होता है, ये भैया ओपन चेन कंपाउंड्स। सेकंड नंबर पे आता है क्लोज चेन कंपाउंड्स। क्लोज चेन कंपाउंड्स में अब आपको बताएंगे जो ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो क्लोज या साइक्लिक रिंग बनाते हैं, साइक्लिक रिंग बनाते हैं। पॉज करोगे? क्लोज चेन कंपाउंड्स में हम लोग आते हैं द कंपाउंड्स हूज मॉलिक्यूल्स कंटेन अ नंबर ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ क्लोज चेन और रिंग इज कॉल्ड क्लोज चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स। भैया जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं इसमें, इस साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रॉपर साइक्लिक स्ट्रक्चर कह सकते हैं ना, एकदम पूरा बाउंडेड होते हैं, चारों तरफ से साइकिल बनाते हैं, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं क्लोज चेन कंपाउंड्स। ये टू ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, पहला होमोसाइक्लिक कार्बोसाइक्लिक, दूसरे होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक क्या होते हैं? होमोसाइक्लिक वो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, वो क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं जिसमें केवल कार्बन एटम जो होता है ना वो साइक्लिक रिंग बनाता है। भाई बैलेंसी ध्यान से देखिए, जैसे आप कर देंगे CH2, यहाँ भी CH2 आपने लिख दिया, ऐसे करके देखिए बैलेंसी सही है। हाँ ठीक है भैया, ये जो साइक्लिक कंपाउंड बना ना, ध्यान देखिए कार्बन एटम ही तो है इसमें, इसमें केवल कार्बन एटम ही है, इसलिए ये होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स की श्रेणी में आएगा, उस सीरीज में आएगा। दूसरे में आते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जैसे पायरोल, फ्यूरान, थायोफिन, इस तरह का। ध्यान देखिए उसमें कुछ ऐसा होता है, अरे कुछ यही स्ट्रक्चर तो होते हैं भैया, यहाँ पे ऐसे करके कोई यहाँ पे ऑक्सीजन लगा होगा या कुछ अलग तरीके के या पायरोल बना देंगे तो यहाँ पे दूसरे ग्रुप्स आ जाते हैं, जैसे थायोफिन आ जाएगा और पायरोल आ जाएगा, या क्या बोलते हैं, अरे मतलब अभी बताते हैं, चलिए उसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं आपको। हाँ तो बातें करते हैं होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में, भैया पहला प्रॉपर्टीज है तो इसके डेफिनेशन ये होता है कि दोज कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स ओनली कार्बन एटम इन देयर साइक्लिक रिंग। पहले इसके पहले बता चुका हूँ कि जो साइक्लिक रिंग बनती है भैया उसमें केवल कार्बन एटम्स ही होते हैं जो साइक्लिक रिंग को फॉर्म करते हैं, यही जो क्या बोलते हैं कंपाउंड्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये टू क्या बोलते हैं, टू ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं ये भी, पहला भैया एलीसाइक्लिक होता है, दूसरा होता है एरोमेटिक। एलीसाइक्लिक क्या होते हैं? दोज कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हूज प्रॉपर्टीज आर अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक बताया जा चुका है कि ओपन चेन होते हैं, ये बस केवल उसी का फॉर्म होता है क्लोज चेन का, लगभग प्रॉपर्टीज जो होती हैं, अप्रोक्सीमेटली प्रॉपर्टीज जो होती हैं इनकी मैच करती रहती हैं। आप एग्जांपल में देख लीजिए साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर दिख रहा है, साइक्लोप्रोपेन है 1, 2, 3, जब भी आईपीएससी बताएंगे साइक्लोप्रोपेन है ये, यही देखिए साइक्लोब्यूटेन है, ये 1, 2, 3, 4 आप नामिंग कर सकते हैं 1, 2, 3, 4 नंबरिंग, ये साइक्लोब्यूटेन, ये भी भैया एग्जाम्पल है साइक्लिक कंपाउंड का। और इसके बाद साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब सेकेंड में आएंगे, अब हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका के जो केमिकल बिहेवियर लगभग बेंजीन के सिमिलर शो करते हैं, दो साइक्लिक कंपाउंड्स दैट केमिकल बिहेवियर इज सिमिलर टू बेंजीन। अब पहचानेंगे कैसे भैया एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं कैसे? मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर कोई दे दिया है, कुछ भी कर लीजिए, ऐसा स्ट्रक्चर आपको दे दिया कुछ ऐसे करके या दे दिया है, आप पहचानते रहिए इसमें जो है ऐसे कुछ करके दे दिया था, ये एरोमेटिक है कि एरोमेटिक है कि नॉन एरोमेटिक है, तो भैया पहचानेंगे कैसे? तो इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स पे आते हैं। पहला, जो कंपाउंड दिया रहेगा मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर। भाई साइक्लिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, साइक्लिक तो होगा ही, ऑब्वियस सी बात है, कंपाउंड्स मस्ट बी साइक्लिक इन नेचर। सेकंड है, कंपाउंड मस्ट बी प्लेनर इन नेचर। भैया प्लेनर इन नेचर का क्या मतलब है? मतलब कि टेट्राहेड्रल नहीं होना चाहिए, ऑक्टाहेड्रल नहीं होना चाहिए, प्लेन पे होना चाहिए जो कंपाउंड होगा ना, एकदम प्लेनर होगा। तीसरा है, द कंपाउंड मस्ट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन देयर स्ट्रक्चर। भैया sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तभी वो प्लेनर होगा, जैसे ही sp3 आएगा वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा, और आप जानते हैं टेट्राहेड्रल में 109.5 डिग्री पे रोटेट हो जाता है, मतलब इसमें ये स्ट्रक्चर प्लेनर नहीं होता, टेट्राहेड्रल हो जाता है। चलिए, तीसरा, कंपाउंड मस्ट हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन इन देयर स्ट्रक्चर, ये हो गया।
चौथा होना चाहिए कंपाउंड मस्ट हैव कंजुगेशन इन देयर स्ट्रक्चर। भैया कंजुगेशन में क्या मतलब है, पाई पाई का कंजुगेशन होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड के साथ कंजुगेशन होना चाहिए, और सिग्मा बॉन्ड विथ पॉजिटिव चार्ज और सिग्मा बॉन्ड विथ निगेटिव चार्ज कंजुगेशन होना चाहिए, लोन पेयर के साथ कंजुगेशन होना चाहिए। तो कंजुगेशन होगा तभी आपका एरोमेटिक होगा। पांचवा पॉइंट है फॉर शोइंग एरोमेटिसिटी, जो सबसे मेन पॉइंट है, फॉर शोइंग एरोमेटिसिटी कंपाउंड मस्ट है फॉलो हकेल रूल। हकेल रूल क्या होता है, 4n+2π इलेक्ट्रॉन कोई भी कंपाउंड होता है वो उसमें 4n+2π इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहां से हम जब अभी देखिए एग्जांपल लेके भी 4-6 एग्जांपल लेके आपको बता रहे हैं, 4n+2π इलेक्ट्रॉन में जब वैल्यूज रखेंगे तो भैया अगर n की वैल्यू 0 से लेके 1, 2, 3 ऐसे इनफाइनाइट तक आएगी तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अगर वैल्यू फ्रिक्शनल आ गई तो वो क्या बोलते हैं एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। चलिए इसके बाद शुरू करते हैं, यहाँ के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं, इसमें 4-6 एग्जांपल देख लीजिए, इसके बाद में एरोमेटिक कंपाउंड। एक दो चीजें और देख लीजिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में भैया यही जो लिखवाया हूं ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके इसको लिख लीजिए, ये बहुत जरूरी है आपके लिए, इसको लिखे रहेंगे कुछ भी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे दो 4-6 एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए आपके सामने 6-7 एग्जांपल लिए हुए हैं, इनको करके बताते हैं कैसे होता है, कैसे एरोमेटिक कंपाउंड हम पहचानेंगे। सबसे पहला रूल्स ये होता है भैया, ध्यान देखो, ये साइक्लोप्रोपेन केटायन है, कुल साइक्लिक रिंग में दिख रहा है आपको, साइक्लिक रिंग में दिख रहा है तो मतलब इसका पहला हो गया कि भाई साइक्लिक इन नेचर होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी मैच कराते हैं भैया, देखिए इसमें कहीं आपको sp3 में दिख रहा है, कहीं भी sp3 नहीं है, ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है, कंजुगेशन भी है। इसके बाद हम निकालते हैं हकेल्स रूल। हकेल्स रूल के लिए होता है 4n+2π इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो भैया का एक रूल होता है कि जो डबल बॉन्ड होता है ना लगा होता है इसको हम 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 2π इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन से पाई इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाता है। ध्यान देखो 4n+2 = 2 होगा, 4n = 2 - 2 जीरो हो जाएगा, n = 0 वैल्यू आई, n = 0 का मतलब होता है एरोमेटिसिटी के लिए, n की वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3 डॉट अगर होती है तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। अब ये ऊपर प्लस चार्ज लगा हुआ है इसको एक भी इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं करते हैं, ये रिंग के बाहर का चार्ज है ये आयन, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। बट इन हियर इन केस ये जो है जो माइनस चार्ज है ये रिंग के बाहर होता है इसको काउंट करते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। ध्यान देखो इसको आप देखें, यहां पर एन की वैल्यू 0 आ रही है मतलब ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है भैया, ये एरोमेटिक। अब सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में ध्यान से देखिए, यहां कार्बन ये सब कार्बन है, देखिए हम ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो सब कार्बन की ही बात होगी, यहां तक तो ठीक है, बट इस वाले कार्बन पे ध्यान से देखिए 4 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, कुछ ऐसे बॉन्ड है कार्बन के 4, ध्यान देखिए कुछ ऐसे बॉन्ड बना रहा है भैया, सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं। आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन में कि हाइब्रिडाइजेशन होता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, यहां देखिए 4 बॉन्ड पेयर है, सिग्मा बॉन्ड 4 सिग्मा बॉन्ड, ऑब्वियस सब बात है ये sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, ये sp3 हो गया, sp2 एक जगह गड़बड़ा गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन गड़बड़ा गया है, अब ये स्ट्रक्चर प्लेनर रह ही नहीं गया, तो ये हो गया भैया नॉन एरोमेटिक। साइक्लिक भी है सब कुछ है बट ये प्लेनर ही नहीं है, तो हकेल रूल्स इसमें लगाएंगे ही नहीं। अगले वाले में देखिए, थर्ड में, इसमें देखते हैं, देखिए साइक्लिक भी है और कंजुगेशन भी है, सारे कार्बन्स पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी है, तो ध्यान से देखिए इसमें हकेल रूल लगाते हैं, यहां पे हकेल रूल लगाने के लिए 4n+2π इलेक्ट्रॉन्स की जगह पे यहां पे एक डबल बॉन्ड को हम 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, दूसरे डबल बॉन्ड को भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, तो ओवरऑल 4 हुआ, कोई इसमें माइनस चार्ज नहीं लगा हुआ, कोई आयन नहीं है, अगर माइनस चार्ज होता तो 2 इलेक्ट्रॉन उसको और काउंट करते हैं। तो ध्यान से देखिए ये 4n = 2 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, n की वैल्यू यहां से 1/2 आएगी जो कि भैया
ना जीरो है ना वन है ना टू है, फ्रिक्शनल वैल्यू आ गई, तो ये हो जाएगा एंटी एरोमैटिक, एंटी एरोमैटिक। ठीक है, अगले स्ट्रक्चर में आइए, ध्यान देखिए, साइक्लिक भी है पहला कंडीशन, दूसरा इसमें जो है sp2 hybridization भी है, कंजुगेशन भी है, और इसके और इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, हकेल रूल्स हम फॉलो करवाएंगे, 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स, 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू, देखिए एक डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स, और माइनस साइन जो लगा होता है ऊपर, जो एक एनायन लगा होता है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स कंसीडर करते हैं। ये भैया हो गया 6, ये हो गया 4n is equal to 4, n की वैल्यू 1 आ गई, मतलब भैया ये एरोमैटिक है, एरोमैटिक है। सबसे पहले देखेंगे आप साइक्लिक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है कि नहीं, सब कार्बन पे चेक कर लीजिए, सब कार्बन पे है कि नहीं, sp2 सब में sp2 है भैया, सब में sp2 है। चलिए ये वाला देखिए, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन पे, साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन रखा हुआ है, साइक्लिक भी है, सब कुछ मैच हो रहा है, इसमें हकेल सूत्र लगाइए, 4n plus 2 is equal to 2 मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, चार डबल बॉन्ड्स, देखिए यहां से n की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ये 6 by 4, भैया फ्रैक्शनल वैल्यू आ रही है तो एंटी एरोमेटिक इसको होना चाहिए, बट ये एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शनल केस होता है, असल में ये क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होने के कारण से ये प्लेनर ही नहीं होता है, ये भैया नॉन एरोमेटिक होता है, ये आपके क्वेश्चन आ सकते हैं आपको घुमाने के लिए, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा इस वाले केस में, ये नॉन एरोमेटिक होता है ना कि एंटी एरोमेटिक। ध्यान देखिए 6 वाले में सब कुछ मैच हो रहा है, सारे कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, कंजुगेशन भी है, इसको चेक करते हैं, इनसे हमसे कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल साइक्लिक रिंग से मतलब है, ये तो इधर चेन लटकी हुई है। इसमें देखिए 4n plus 2 pi इलेक्ट्रॉन्स लगाइए, 4n plus 2 is equal to 2, ये n की वैल्यू यहां से 0 आएगी, मतलब एरोमेटिक है ये, एरोमेटिक है ये। इस वाले में देखिए, इस वाले में, अगले वाले में सब कुछ तो सही है भैया, लेकिन इस कार्बन पे चार बॉन्ड कुछ ऐसे बन रहे हैं भैया, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, यहाँ पे प्लेनर रह ही नहीं गया, एक ये देखिए, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, ये टोटल चार सिग्मा बॉन्ड, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, समझ रहे हैं इस बात को। तो इस तरीके से हमने देखा कि एरोमेटिसिटी कैसे डिफाइन की जाती है। चलिए आगे देखते हैं हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जल्दी देख लेते हैं, आते हैं हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पे। दोस क्लोज चेन कंपाउंड्स दैट हैव अनदर एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेप्ट कार्बन, कार्बन कॉल्ड हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। देखिए एग्जांपल में देख लीजिए भैया, साइक्लिक रिंग ही है, सब कुछ है, यहां पे कार्बन रखा हुआ है, ये कार्बन, ये सारे कार्बन्स हैं। ध्यान से देखिए यहां पे नाइट्रोजन आ गया है, नाइट्रोजन इस साइक्लिक रिंग में, जो इसके पहले वाली साइक्लिक थे रोमैटिक थी, या क्या बोलते हैं दूसरी साइक्लिक रिंग थी, एलिसाइक्लिक था, उसमें केवल कार्बन एटम्स ही रहते थे, यहाँ नाइट्रोजन आ गया है, अगर ऐसा कुछ आता है तो भैया वो कंपाउंड हेट्रोसाइक्लिक हो जाएंगे। ये स्ट्रक्चर है पायराडाइन का, ये सेकेंड स्ट्रक्चर है, देखिए ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये फ्यूरान हो गया, ये देखिए पायरोल है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, ये देखिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो भैया मतलब ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर आपको दिखता है तो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स है। थैंक यू एवरीवन, बस अभी नया नया स्टार्ट हुआ है, कल से आते हैं, एक दो दिन में आते हैं आपके, आपको लेकर के 11th and 12th का प्रॉपर एनसीईआरटी का सलूशन लेकर के, एक एक क्वेश्चंस और एक एक डेफिनेशन के साथ हम आएंगे और आपका पूरा सहयोग करेंगे, और आप भी हमारा सहयोग करिए। थैंक यू एवरीवन।